हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम लक्ष्य टेस्ट सीरीज के फाइनल टेस्ट के सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 66, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज दी हुई है एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, पोटेशियम की, क्रोमियम की, सब में SRPs दिए हुए हैं और हमें रिड्यूसिंग पावर बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर ले क्या, सबसे पहले अगर हम इसे अरेंज करें तो सबसे कम किसका होगा, एल्यूमिनियम का हो रहा है। एल्यूमिनियम का SRP की वैल्यू सबसे कम है यहाँ पर, कितनी है, माइनस का 1.66, राइट। देन हम बात करें तो क्रोमियम की है, क्रोमियम +3 से क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये कितना हो रहा है, माइनस 0.74, ठीक है। फिर आता है आपका पॉइंट सिल्वर वाला, Ag+ से Ag कन्वर्जन 0.80, और लास्ट में है आपका K+ से K में कन्वर्जन, तो ये दिया हुआ है कितना, 2.93 वोल्ट, ठीक है। सो ये सब वैल्यूज वोल्ट में दी हुई है हमें और ये हमने इंक्रीज कर लिया है। ठीक है, सो अब हमें इसमें क्या करना है डियर, अब हमें इसमें हमें SRPs की वैल्यूज बताना है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा। चलिए पहले बात करते हैं कि अगर SRP की बात करें तो डाउन द ग्रुप SRP बढ़ रहा है, SRP बढ़ रहा है तो रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है, रिडक्शन टेंडेंसी बढ़ती है, और रिडक्शन की टेंडेंसी बढ़ती है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ता है तो रिड्यूसिंग नेचर कम हो जाता है, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग नेचर कम हो जाएगा। तो हमें रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर बनाना, तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा होना चाहिए और उसके बाद फिर क्रोमियम और उसके बाद सिल्वर और फिर पोटेशियम आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर माइनस साइन आना चाहिए था, ठीक है, माइनस 2.93 होना चाहिए था पोटेशियम का। अगर हम उसे कंसिडर करके चले तो सबसे ऊपर पोटेशियम आ जाएगा, यहाँ पर पोटेशियम सबसे ऊपर हो जाएगा माइनस 2.93। तो ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा साइन का प्रॉब्लम रहेगा। तो हम बात करें नीचे जाने पर रिड्यूसिंग नेचर क्या होता जाता है, कम होता है, सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होना चाहिए, पोटेशियम का, उसके बाद होना चाहिए एल्यूमिनियम का, फिर क्रोमियम का और फिर Ag का। तो इस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा करेक्शन करना होगा आपको, यहाँ पर माइनस साइन पुट करना हो, ठीक है। आप इसको चाहो तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी देख सकते हो, लेके वारा श्रीकाना मजे से ले आला, मन जो करे फेंक दे, कोई निगाहें सुंदरी प्यार भरा हाथ से छापा, राइट। सो लिथियम के बाद पोटेशियम ही लेके बारा पोटेशियम ही आता है, राइट। तो इसका आंसर आएगा बी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ 2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH दिया हुआ है हम लोगों को कितना, 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो हमें मोलालिटी और मोलालिटी का सिंपल सा एक रिलेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, आपको पता होना चाहिए। सो मोलालिटी क्या रिलेशन होता है, 1000 इंटू मोलालिटी इंटू डेंसिटी अपॉन में 1000 इंटू मोलालिटी इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पर मोलालिटी जगह 2 पुट करेंगे, 1000 मोलालिटी हमें पता लगाना है, डेंसिटी हमें दी हुई है 1.28, ठीक है, 1000 मोलालिटी तो निकालना है, मोलिकुलर वेट सॉल्यूट का होता है 40। तो इसको वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1280 हो जाएगा, ये 1280 इंटू मोलालिटी, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2000, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस ATM हो जाएगा ये, तो 2000 कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी, माइनस का ATM 1200 m, दैट इज 2000, तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो उसे 10 times 6 times 5/3 आ जाएगा, 5/3 यानी कि 1.67, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं।
फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो इस तरह से अगर फॉर्मूला याद है तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें हमें प्रायोरिटी ऑर्डर का, प्रायोरिटी ऑर्डर बताना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। हाल ही के पिछले 3-4 सालों में जेई मेन्स से पूछा गया है, नीट में भी क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा होता है, फिर सल्फोनिक एसिड। हम कॉपी बनवाते हैं आपसे ये ऑर्डर, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, देन एसिड अनहाइड्राइड, देन एस्टर, देन एसिड हलाइड, देन अमाइड। तो हम बात करें तो एसिड सबसे पहले आएगा, उसके बाद आना चाहिए सल्फोनिक एसिड, और उसके बाद एसिड अनहाइड्राइड, और फिर अमाइड। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये ऑप्शन में देखा जाए तो एसिड हलाइड और अमाइड, अमाइड बाद में आता है, तो ये ऑर्डर ठीक नहीं है। ये ऑर्डर अगर देखें तो अमाइड जो है वो बाद में आ रहा है और साइनाइड उसके बाद में ही आता है, ये ऑर्डर सही दिख रहा है। एस्टर पहले आ गया है, उसके बाद एसिड हलाइड, फिर NH2 तो सबसे लास्ट में आता है, इसलिए ये ऑर्डर भी गलत है। इसके कारण कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर एस्टर, अमाइड यहाँ पर पहले आ गया है, तो ये आंसर भी ठीक नहीं है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड हलाइड, फिर अमाइड और फिर साइनाइड। तो आंसर बी इज राइट। ओके, चलिए IUPAC नेम बताना है। यहाँ पर दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहे हैं बट इस क्लियरली आपको, तो ये आपकी बनेगी पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। ये मेन फंक्शनल ग्रुप रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 कार्बन है, ठीक है। तो और 6 नंबर पे इसे इसका कार्बन काउंट हो रहा है, तो वैसे तो ऑक्सो काउंट करना चाहिए, ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा है, और जब इसका कार्बन काउंट होता है तो ऑक्सो बोलते हैं इसे, ठीक है। सो 2,5-डाइमिथाइल, 2,5-डाइमिथाइल, 6-ऑक्सो, हैक्स 3-एन ओइक एसिड। तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि कार्बोक्सी प्रीफिक्स हो नहीं सकता, यहाँ भी कार्बोक्सी प्रीफिक्स है ना। अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकता, इसलिए आप COD को कैंसिल कर दोगे, है ना। 6-फॉर्माइल 2-मिथाइल, अब यहाँ पर 2-मिथाइल बोला गया है, ठीक है। जबकि आप अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसे कार्बन को इंक्लूड तो करोगे ही ना चेन में, तो इसलिए ए आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर आएगा बी ऑप्शन। चलिए क्रिएशन दी हुई है और मोस्ट प्रोबेबली ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन है, आपको सबको पता है रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और दोनों तरफ के कार्बन को डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़ देते हैं, यानी कि बनेगा एसिटाल्डिहाइड, यानी कि आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट एरोमेटिक, हकल रूल का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। सो अगर हम इसकी बात करें, साइक्लिक है, डबल सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल डबल, साइक्लिक रेजोनेंस भी है, डबल बॉन्ड sp2 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 sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3। अच्छा, ये लोन पेयर को पाई बॉन्ड मानोगे तो ये तो एरोमेटिक है, तो ये तो हमारा नॉट एरोमेटिक पूछ रहा है। यहां पर भी 3 पाई बॉन्ड हो जाएंगे तो ये भी एरोमेटिक हो जाएगा। पिरिडिन तो एरोमेटिक होता है क्योंकि इसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसके लोन पेयर को आप सिग्मा बॉन्ड मानते हो, लेकिन यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है माय डियर, ठीक है। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ सिर्फ 2 पाई बॉन्ड ही हो रहे हैं, तो आंसर आएगा बी आंसर, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने आपको पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दो रिएक्शंस होती हैं, SN1 एंड SN2। SN1 में 50% क्या होता है, रिटेंशन, एंड 50% इन्वर्जन, जबकि SN2 में 100% क्या होता है, इन्वर्जन। तो रिटेंशन की बात कर रहा है, इनमें से कौन रिटेंशन शो करेगा, तो जो SN1 में ज्यादा रिएक्टिव होगा, SN1 की रिएक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो देखते हैं कहां पर स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। अगर मैं यहां की बात करूं तो ये बेंजाइल कार्बोकेटायन बन रहा है, राइट, कुछ ऐसा। ठीक है, दूसरा ये जो है 1 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है,
अगर हम बात करें तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी था, अगर यहाँ ब्रोमीन हटाएंगे तो फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है, C6H13, ठीक है, C6H5 होना चाहिए था ये तो। अगर यहाँ भी ब्रोमीन बनाएंगे हम तो ये भी तो फिर वही हो जाएगा, C6H13 CH3Br। चलिए इसको C6H13 ही मान के सॉल्व करते हैं, तो ये अल्कीन वाला कुछ पार्ट बनेगा, फिर ये क्या हो जाएगा C6H13, ये रेडिकल ही बनेगा, C5 C4H9 है ना, तो C6H14 13, ठीक है। सो ये तो भाई कार्बोकैटायन 2 डिग्री ही माना जाएगा। तो सबसे पहली बात, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं, ए और डी ऑप्शन, ठीक है, लेकिन उसमें ए में भी क्या है कि एक तो ये कायरल कार्बन है, पहला पॉइंट तो ये है कि ये कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन होगा तो ही तो रिटेंशन अपने को देखने को मिलेगा, राइट। और ऊपर से कार्बोकैटायन स्टेबल भी होना चाहिए, कायरल कार्बन यहाँ पर भी है, लेकिन ये C6H13 ना बेसिकली ओपन चेन है, ठीक है, कुछ इस तरह से ओपन चेन है ये, और इसलिए ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यू टू रेजोनेंस से हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। ठीक है, तो समझ में आया। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें कायरल कार्बन है, क्योंकि कायरल ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो रिटेंशन और इन्वर्जन वाले तो प्रश्न ही नहीं उठेंगे, राइट। अब यहाँ पर तो क्या हो गया था कि दोनों सी एच सेम हो गए थे, तो ये तो बात ही खत्म हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर है तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, और इससे दो हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़े हैं, तो ये भी ऑप्टिकली कायरल कार्बन है ही नहीं, राइट। तो कायरल कार्बन देखा वो ए और डी में मिला, लेकिन फिर भी ए वाले में कार्बोकैटायन मोर स्टेबल है, इसलिए हमने चुना ए को, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे इसके अंदर, मेज द कॉलम के अंदर तो बहुत आसान रिएक्शन है, देखो H2PdBr4 दिख गया है, मतलब अब इस समय तक तो आप लोगों को बड़ा क्लियर हो चुका होगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, रोजेनमुंड रिएक्शन है, तो ए का आना चाहिए फोर्थ, और वो मुझे पहले ही ऑप्शन में दिख गया है, तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, इस तरह से आप एग्जाम में पिक करिएगा। ये रिएक्शन अगर मैं बता दूँ, SnCl2HCl और साइनाइड दिख रहा है तो ये स्टीफंस रिएक्शन है, ये क्रोमाइल क्लोराइड दिख गया है तो ये इटार्ड रिएक्शन है, और फोर्थ जो है ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, तो ए का आना चाहिए फोर्थ, बी का आना चाहिए थर्ड, सी का आना चाहिए सेकंड, डी का आना चाहिए फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। डायबल, डायबल एच, डायबल को जानते होंगे आप, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, एल्यूमिनियम आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम आई ब्यूट टू एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। सो ये करता क्या है, साइनाइड को बदल देता है, CHO में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यही हमसे पूछा गया। ओ बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, 50% NaOH दिया है, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन है माय डियर, और क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और वो एसिड में कन्वर्ट होता है, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है और वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। जो ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, जब क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन हम देखते हैं, तो जो ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड होता है, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन है ना, और मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड कौन होता है, जिसके ऊपर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, तो ये मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड हो जाता है, मोर रिएक्टिव एल्डिहाइड बिकॉज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, क्लास में आपको पढ़ाया गया है ये लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। और बेंजल्डिहाइड ये लेस रिएक्टिव है तो इसका हो जाएगा रिडक्शन, और रिडक्शन होने के बाद ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल, तो हमारे आंसर होंगे बेंजाइल अल्कोहल और फॉर्मिक एसिड, ठीक है, यानी कि आंसर नंबर सी, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, फॉर्मिक एसिड भी लिख सकते हैं, ठीक।
मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन अल्कलाइन KMnO4 दिया है, साइड चेन ऑक्सीडेशन, जब भी अल्कलाइन KMnO4 आएगा इस पूरी चेन को हटाकर हम लोग क्या लगा देंगे, इस बेंजीन के ऊपर की सारी साइड चेन हटकर क्या बन जाता है, COOH, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, बढ़िया क्वेश्चन है। एनिलीन की रिएक्शन Br2 के एक्सेस के साथ करा दी, आपको पता है एनिलीन इज द मोस्ट एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो हर जगह पर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। ESR रिएक्शन है 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, यानी कि आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये भी नहीं हो सकता, आंसर या तो सी या बी है। उसके बाद सबसे पहले ये है एसिटिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पर क्या होगा, एसिटाइलेशन होगा और बनेगा NHCOCH3 एसिड एनालाइट, एसिड एनिलाइट। उसके बाद जब हम इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा पैरा ब्रोमो एसिड एनालाइट, और फिर जब हम इसके HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो ये वापस से क्या बना लेगा, ये क्लोरीन और ये वाला पार्ट उठकर निकल जाएगा और वापस से बन जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। तो ये आंसर तो हो नहीं सकता, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। अच्छे क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत आसान क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन पूछा है कार्बन नंबर फर्स्ट का, डबल बॉन्ड्स जुड़ा है इसलिए sp2, ये भी डबल बॉन्ड, ये दोनों तरफ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, बच्चे यहाँ गलती कर सकते हैं, दोनों तरफ डबल बॉन्ड जुड़ा है तो sp, ये डबल बॉन्ड जुड़ा है तो sp2, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए sp3, तो sp2 sp sp2 sp3, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट। बॉन्ड एनर्जीज के बारे में बात करेंगे, तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। आज मैं सारे सीक्रेट रिवील कर रहा हूं आपके सामने, लास्ट पेपर है इसलिए, ठीक है। ये आयोडीन है, तो बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो साइज इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज बढ़ता जाएगा। अगर हम यहां बात करें तो डाउन द ग्रुप साइज हेलोजन का बढ़ता जा रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है, हम बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। 80th क्वेश्चन, गैंग क्या होते हैं, गैंग पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो बड़ा आसान इसका आंसर होगा, मैग्नेटिक इंप्योरिटीज इन और मिनरल्स विच आर नेचुरली ऑकरिंग इन प्योर फॉर्म, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। कंटामिनेशन ऑफ मेटल अदर देन डिजायर्ड मेटल, ये भी आंसर नहीं हो सकता। मैग्नेटिक इंप्योरिटीज नहीं, कोई सी भी अनडिजायर्ड अर्थी मटेरियल्स उसके अंदर होते हैं, ठीक है, धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर, ये सब क्या कहलाते हैं, गैंग्स, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन, राइट। आई होप सो आपका आसान गया होगा, पेपर बहुत अच्छा था, आपने अच्छे से पेपर किया होगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, ठीक है।